नमस्कार, एआर लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना जैन। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अलवर के नीमराना और शाहजहांपुर के बीच दिल्ली से रोडवेज बस में आ रहे युवक से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट। लुटेरों ने CISF की वर्दी पहनकर दिया वारदात को अंजाम। पटाखों पर लगी रोक के विरोध पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धर्म अथवा पर्व के कारण नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए आतिशबाजी पर लगाई रोक। हिंदुस्तान जिंक के श्रमिकों ने की एक दिवसीय हड़ताल। श्रमिकों के खून में लेड की मात्रा मानकों से कहीं ज्यादा। श्रमिकों ने वेतन और स्वास्थ्य संबंधी 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा। ग्रेटर में भाजपा के पुनीत कर्णावत निर्विरोध उपमहापौर बने। हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी भाजपा के महेंद्र कुमार को 12 वोटों से हराकर उपमहापौर बने। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस के अब्दुल करीम उपमहापौर बने। दक्षिण में भाजपा के किशन लड्डा ने भारी वोटों से जीत हासिल की। कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी को उपमहापौर चुना गया, जबकि कोटा दक्षिण से 40-40 वोटों के टाई के बाद लॉटरी के बाद कांग्रेस के पवन मीणा उपमहापौर बने। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अनुसार अमेजन नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म समेत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के दायरे में। LAC पर होगा तनाव का खात्मा। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। पेंगोंग से 3 चरण में होगी सेना की वापसी। दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के फुटबॉल के मैदान में आतंकवादियों ने बर्बरता पूर्वक 50 से अधिक लोगों के सिर कलम किए। और ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।